हे गाइस, मैं हूं शौर्य सत्यार्थ एंड आपको क्या लगता है सोनिक हेजहॉग एंड फ्लैश में ज्यादा तेज कौन होगा? ऑफ कोर्स दोनों ही इतने तेज हैं कि उनको नेकेड आई से देखना नियरली इम्पॉसिबल है। तो कैसे पता चलेगा कि दोनों में से ज्यादा तेज कौन है? दोनों अगर रेस लगाएं तो कौन जीतेगा? कौन ज्यादा फास्ट स्पीडस्टर है? इस वीडियो में हम इसी चीज को फाइंड आउट करेंगे। तो इस वीडियो को पक्का एंड तक तो जरूर देखिएगा। और इन दोनों कैरेक्टर यानी कि सोनिक एंड फ्लैश को हम किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे? यस, तीन बेसिस पर। और वो तीन बेसिस हैं स्पीड, स्पीड एंड सिर्फ स्पीड, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर सिर्फ अपने स्पीड के लिए ही जाने जाते हैं। सो देखते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। और इस वीडियो में हम फाइनली ये भी पता लगाएंगे कि ये दोनों कैरेक्टर हुसैन बोल्ट से ज्यादा तेज हैं या नहीं है। जस्ट किडिंग। और अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। वेल, सबसे पहले बात करते हैं फ्लैश की। और इस वीडियो में हम फ्लैश के बैरी एलन वाले वर्जन को लेंगे। क्यों? क्योंकि सब उसी को जानते हैं। वेल, लॉजिकल रीजन बताऊं तो बैरी एलन सबसे तेज स्पीडस्टर है, इसलिए हम बैरी एलन को ही लेंगे। एनीवे, फ्लैश कितनी तेज जा सकता है? इसका सीधा सीधा आंसर है जितना स्पीड फोर्स उसको अलाउ करेगी उतना। अगर फ्लैश स्पीड फोर्स के साथ एक सीधी लाइन में दौड़े तो उसकी स्पीड टाइम बाय टाइम इंक्रीज होती रहेगी तब तक जब तक वो स्पीड बैरियर को तोड़ ना दे। उसकी सिर्फ स्पीड ही ज्यादा नहीं है, ऑफ कोर्स स्पीड उसके अंदर है, सो उसकी रिएक्शन स्पीड भी सुपर ह्यूमन लेवल तक है। जब फ्लैश स्पीड फोर्स से कनेक्ट होता है तब उसके पास सुपर ह्यूमन लेवल के स्टैमिना, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ भी आ जाती है। वो हाई वेलोसिटी में मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से इंटेंजिबल हो जाता है। वो स्पीड रीडिंग भी कर सकता है, मॉलिक्यूलर कंट्रोल भी कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स फ्लैश टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, अल्टरनेट डायमेंशंस में जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। वेल, वो टाइम ट्रेवल कैसे करेगा? अगर वो एक सर्कल में दौड़े तो स्पीड बैरियर को तोड़ देता है और वो टाइम ट्रेवल इजिली कर सकता है। हमने एनिमेटेड सीरीज में ये भी देखा है कि अल्टरनेटिव यूनिवर्स का फ्लैश सिर्फ वाइब्रेट होने से बूढ़ा हो गया था, वो भी कुछ मिनट्स के अंदर, यानी वो खुद की बॉडी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। फ्लैश क्रिएशन ऑफ वॉर्टेक्सेस भी कर सकता है, सुपर चार्ज ब्रेन एक्टिविटी, इलेक्ट्रिक एंड लाइटिंग मैनिपुलेशन, ये सब तो उसके लिए बहुत ही नॉर्मल बात है। फ्लैश अपनी बॉडी तक को हील कर सकता है वाइब्रेट होके। फ्लैश के सेंसेस बहुत ही ज़रा इनहैंस्ड हैं। फ्लैश स्पीड में नहीं दौड़ सकता है, वो स्पीड फोर्स ऑरा भी क्रिएट कर सकता है। फ्लैश टेलीपैथी से रेजिस्ट है, वो सोनिक शॉक वेव प्रोजेक्शन भी कर सकता है। और एक लास्ट बात, फ्लैश मेमोरी एब्जॉर्ब भी कर सकता है। वेल, आपने एक चीज नोटिस की कि फ्लैश के पास जितनी पावर है सारी की सारी स्पीड से रिलेटेड ही है। फ्लैश ऑब्जेक्ट्स के आर पार भी जा सकता है सिर्फ वाइब्रेट होके, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन भी कर सकता है, वो मॉलिक्यूल के थ्रू आर पार जा सकता है। अब आप समझ चुके होंगे कि फ्लैश कितना तेज है। फ्लैश की मैक्स स्पीड लाइट की स्पीड से ऊपर गई है, एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं पता, बट हाँ लाइट की स्पीड से ऊपर, यानी फ्लैश को दौड़ता हुआ नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल है। इतना ही था फ्लैश के बारे में। ऑलराइट, अब जानते हैं सोनिक हेजहॉग के बारे में, वो कितना तेज है और वो किस लिमिट तक जा सकता है। वेल, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी थी जिसमें मैंने सोनिक हेजहॉग की टोटल पावर एक्सप्लेन की है। अगर आप चाहें तो डिटेल में वो वीडियो देख सकते हैं। बस इस वीडियो में मैं उसका ओवरव्यू दूंगा ताकि हम फ्लैश के साथ सोनिक को कंपेयर कर सकें। ऑलराइट, सोनिक के मूवी ट्रेलर में हमने सोनिक को बेसिकली 760 माइल पर आर को क्रॉस करते हुए देखा है, जो इसकी सबसे कम स्पीड है। यस, सोनिक इससे काफी ज्यादा तेज दौड़ सकता है। आइए पता लगाते हैं कितना। वेल, सोनिक ने कई बार प्रूव कर रखा है कि वो इस वर्ल्ड का ही नहीं इस यूनिवर्स का सबसे फास्टेस्ट बीइंग है। एक बार नहीं, कई बार सोनिक इजिली साउंड बैरियर को तोड़ देता है बहुत ही आराम से, बेसिक एकदम आराम। और अगर वो कायदे से दौड़ना स्टार्ट करे अपनी फुल स्पीड में तो वो बहुत ही आराम से लाइट की स्पीड को भी क्रॉस कर जाता है। यस, सोनिक भी लाइट की स्पीड को बड़े आराम से क्रॉस कर सकता है। अब मेन बात आती है एक्सेलरेशन। सोनिक का एक्सेलरेशन इतना खतरनाक है कि वो कुछ मिलीसेकंड्स में ही साउंड के बैरियर को तोड़ देता है। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने कम सेकंड में कितनी ज्यादा स्पीड पकड़ सकता है। एंड हाँ, सोनिक बैकवर्ड दौड़ सकता है 750 माइल पर आर से। यस, यानी वो पीछे पीछे दौड़ते भी साउंड के बैरियर को तोड़ सकता है। सोचिए कितना तेज है ये बंदा। सोनिक अपने आप को एनवलप कर सकता है एक ब्लू एनर्जी के फील्ड में, जिससे वो एक इलेक्ट्रिक बॉल बन जाता है जिससे वो किसी चीज को भी तोड़ सकता है। और उस सिचुएशन में सोनिक को हार्म करना नियरली इम्पॉसिबल है। और अगर सोनिक अपने सबसे तेज फॉर्म यानी हाइपरसोनिक हेजहॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो बेसिकली 3840
माइल पर आवर से लेकर 7680 माइल पर आवर तक भी जा सकता है। यस गाइस, 7680 माइल पर आवर, ये बहुत ज्यादा है। और मैं ये बता दूं, सोनिक जितना स्पीड में दौड़ता रहेगा उसका बॉडी मोमेंटम उतना ही अच्छा होता रहेगा, यानी सोनिक कभी अपना कंट्रोल खो ही नहीं सकता। उसके लिए जैसे ये पार्क में दौड़ने के बराबर ही है, सोनिक भी अपनी बॉडी को वाइब्रेट कर अपने आप को हील कर सकता है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आर पार जा सकता है मॉलिक्यूल कंट्रोल करके, सोनिक इलेक्ट्रिक चार्ज कंट्रोल कर सकता है एंड लॉट मोर। और सोनिक की एक खास बात है, अगर सोनिक एक सर्कल में दौड़ना स्टार्ट करे तो ऑफ कोर्स वो अपना मोमेंटम तो नहीं खोएगा, बल्कि वो एक टोर्नेडो क्रिएट कर सकता है सिर्फ विंड एनर्जी को मिलाकर, और वो टोर्नेडो बहुत बड़ा हो सकता है। सोनिक एक ह्यूमन नहीं है, वो एक हेजहॉग है, और सोनिक अपने से ज्यादा वेट्स को भी बड़े आराम से उठा सकता है, यानी सोनिक के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है। और गाइस, सिर्फ स्पीड ही नहीं, उसकी स्पीड आती कहां से है? उसके लेग से। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके लेग्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। वो अपने लेग से इतना ज्यादा मोमेंटम क्रिएट कर सकता है कि वो बड़े बड़े एनिमीज को भी बड़े आराम से किक आउट कर सकता है, जैसे आप क्लैश ऑफ क्लैन एंड पबजी में किक आउट करते हो ना क्लैन से, सेम वैसा ही, कोई फर्क नहीं है। सोनिक ब्लैक होल की ग्रेविटी से भी स्केप कर सकता है। ऑलराइट गाइस, अब डिसीजन पे आते हैं, फ्लैश एंड सोनिक में कौन ज्यादा तेज है? अगर ये दोनों रेस लगाएं या फाइट करें तो कौन जीतेगा? वेल, विनर है सोनिक हेजहॉग। यप, अगर आप डीसी फैन हैं तो शायद आपको ये कंक्लूजन थोड़ा सा पसंद नहीं आएगा, बट लेट मी टेल यू गाइस, सोनिक के पास ऐसे रिकॉर्ड है जिसमें उसने 7680 माइल पर आवर को भी क्रॉस किया है, और ये ऑफ कोर्स कोई जोक नहीं है। सोनिक के लिए लाइट की स्पीड को क्रॉस करना जैसे बच्चों का खेल है, और हमने फ्लैश को बहुत ही ओकेजनली की स्पीड को क्रॉस करते हुए देखा है। और गाइस, जहां बात करें मोमेंटम की, तो फ्लैश को हमने कई बार अपना मोमेंटम खोते हुए देखा है। अब भले वो किसी भी रीजन से, उसका ध्यान नहीं होगा या कुछ और, बट वो अपना मोमेंटम खो चुका है कई बार। बट जहां बात करें सोनिक की, तो उसके लेग्स ही इसलिए बने हैं कि वो दौड़ सके, सिर्फ दौड़ सके। वो अपना मोमेंटम चाह कर भी नहीं खो सकता, वो जितना स्पीड में जाएगा वो अपना मोमेंटम उतना ही मेंटेन करेगा। एंड ऑफ कोर्स, सोनिक के लेग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, फ्लैश से तो बहुत ही ज्यादा। और जैसा कि मैंने कहा, सोनिक हेजहॉग ब्लैक होल के पुल से भी स्केप कर चुका है। सो गाइज, यही कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिनके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि सोनिक हेजहॉग द फ्लैश यानी बैरी एलन से ज्यादा फास्ट है या फिर ज्यादा पावरफुल है। और अगर दोनों रेस करेंगे तो मे बी सोनिक जीतेगा। वेल, कोई जीते या ना जीते, हम और आप तो देख के बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इन दोनों के स्पीड को नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये दोनों ही लाइट की स्पीड को क्रॉस करते हैं। बट गाइस, मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा कि ये दोनों ही कैरेक्टर हुसैन बोल्ट से नहीं जीत पाएंगे। लॉल, जस्ट किडिंग। वेल, मैं होप करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने सच में इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो जल्दी से, बिल्कुल स्पीड से मेरा मतलब है लाइट की स्पीड से, उस रेड वाले कलर के बटन को ऐसे से ऐसा बना दें जल्दी से। ऑलराइट, सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।